वहीं पाकिस्तान के पंजाब में बकरीद पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर जेल के निर्देश दिए गए थे। पाकिस्तान सरकार की ओर से निर्देशों में कहा गया था कि बकरीद के मौके पर जो व्यक्ति लाउडस्पीकर बजाएगा या हथियारों का प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी वेबसाइट द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईद अल अजहा के लिए बुलाई गई एक विशेष बैठक में पुलिस अधिकारियों को तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और कुर्बानी के दौरान प्रदूषण से निपटने के निर्देश दिए गए थे। उधर मरियम नवाज ने भी ईद के मौके पर नहरों और नालों में पशुओं की गंदगी फेंकने पर भी कड़ाई से निपटने का आदेश दिया। इसके अलावा अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश दिया गया। आपको ये भी बता दें कि पाक वेबसाइट द नेशन के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर 2015 से प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर 25,000 पाकिस्तानी रुपए जुर्माना देना पड़ता है। इस कानून के लागू होने के बाद कई कट्टरपंथी मौलानाओं ने विरोध भी किया था और शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया भी था। अब देखना यह होगा कि कितने लोगों पर कानून के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जाती है। अजय जांडियाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, क्योंकि एक कड़ा कानून बनाया गया जिसमें जुर्माने की भी अदायगी करनी होती है, अब क्योंकि लाउडस्पीकर प्रतिबंध होने के बाद भी बजाया गया, किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान में की जाएगी या फिर केवल खाना पूर्ति होगी या इस तरह के जो आदेश हैं वो पाकिस्तान में केवल दिखावा है? देखिए, एक चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान में जब कानून की बात आती है तो वहां पर कार्रवाइयां खासतौर पर इस तरह की काफी की जाती हैं। और आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस कानून को बनाया गया था और पाकिस्तान में कार्रवाइयां भी हुई हैं। मगर आप एक चीज देखने वाली है कि इस चीज को लेकर पाकिस्तान, क्योंकि एक इस्लामिक देश है और लगातार पाकिस्तान में इस तरह के अगर आदेश आए हैं तो उसमें यहाँ जो भारत में ऐसे लोग जो लाउडस्पीकर बैन करने पर राजनीति करते हैं या बाकी चीजों को लेकर कहा जाता है तो उनको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इस्लामिक देश में अगर ऐसा हो सकता है तो फिर भारत में भी ये चीजें मुमकिन है। मगर आपको बताऊं कि 2015 से पाकिस्तान में पहले से ये कानून है कि लाउडस्पीकर बजाना जो है लो नहीं है, और खासतौर पर ईद के मौके पर इस चीज की आशंका ज्यादा रहती है। और इसी से पहले मरियम नवाज जो की मुख्यमंत्री है पंजाब की, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और इस बैठक में अफसरों को साफ कहा गया कि ऐसा कोई भी वाक्या सामने आता है तो उस पर कानूनन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लाउडस्पीकर से प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ये मुद्दा पाकिस्तान में भी उठ रहा है और हिंदुस्तान में भी इसकी चर्चा होती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी इसका विरोध करने से कहीं भी बाज नहीं आते, वो पाकिस्तान में भी इसका विरोध कर रहे हैं। अजय, आप रहिएगा हमारे साथ एक और